नमस्कार दोस्तों, सी ए न्यूज चिड़ावा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। एसडीएम राजीव आचार्य का मंडेला रोड स्थित बिमाल भवन में सम्मान समारोह हुआ। पिता की सेवा के चलते कार्यकाल पूरा होने से करीब 1.5 साल पहले ही एसडीएम ने इस्तीफा दिया। एसडीएम के सम्मान में आयोजित हुए कार्यक्रम में पूरा झुंझुनू जिला प्रशासन उमड़ पड़ा। जहां चिड़ावा एसडीएम राजीव आचार्य सम्मान और इतने स्नेह को देखकर भावुक हो गए, तो वहीं चिड़ावा ब्लॉक के अधिकतर अधिकारी भी एसडीएम का सम्मान करते समय भावुक हो गए। आपको बता दें कि चिड़ावा एसडीएम ने चिड़ावा के कई नवाचार शुरू किए हैं। चिड़ावा में उन्हें कला प्रेमी के रूप में जाना जाता रहेगा। एसडीएम के सम्मान समारोह में एडीएम मुन्नी राम बगड़िया, एडीजे प्रेम प्रकाश गुप्ता, डीएसपी लाखन सिंह मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद यादव, नवलगढ़ एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा, खेतड़ी एसडीएम संजय वासु, उदयपुर वाटी एसडीओ शिवपाल जाट, अनीता धतरवाल मलसीसर, झुंझुनू टीडीआर दमयंती कंवर, चिड़ावा तहसीलदार ब्रिजेश गुप्ता, प्रधान कैलाश मेघवाल, नायब तहसीलदार ज्वाला साहिक मीणा आदि कई मौजूद रहे। एसडीएम के अलावा एसडीएम के पिता हरी राम आचार्य, पत्नी सिंधु आचार्य, बेटी चिरमी आचार्य, चाचा घनश्याम आचार्य, बहनोई राजेंद्र पुरोहित एवं बहन अवना आचार्य का भी सम्मान किया गया। सेवानिवृत्ति के समय से 1.5 साल पूर्व सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया है। परिवार की सभी उत्सव हैं, आपका सम्मान करने के लिए कुमार की कोशिश करना चाह रहे हैं। और साथ में सिंघाना उप तहसील की माकड़ो पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित करीब 150 घरों की आवासीय कॉलोनी के वासिंदों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ग्रामीणों को बेघर होने का डर सता रहा है, तो अब इस मामले में राजनीतिक रोटियां सिकनी भी शुरू हो गई है। नेताओं के द्वारा वोटों की राजनीति करना भी शुरू हो गया है। नेता जनता का मसीहा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार भी माकड़ो गांव पहुंचे। जनता के बीच पहुंचे विधायक ने जनता को भरोसा दिया कि वे बेघर नहीं होने देंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। हालांकि वार्ड नंबर 9 की आवासीय बस्ती पर संकट के बादल तो छाए हुए हैं। आवासीय बस्ती के लोग बेघर ना हो जाए, इसके भय से काफी डरे भी हुए हैं। आप भी सुनिए जनता के बीच पहुंचे विधायक श्रवण कुमार ने क्या कहा। आपके पास में कोई भी इलीगल कहीं भी सूचना मिल जाए कि भाई ये प्रशासन ये करने जा रहा है, कानून का जांच वाला आएगा वहां, तो तुम्हारे कानून तुम्हारे हाथ में आने वाली है थोड़े दिनों बाकी। उसके बाद में कहीं भी दिक्कत आएगी मुझे इन्फॉर्म कर देना एक दिन पहले, इमीडिएट करोगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि एक सरपंच। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें पूरी भीड़ नहीं जा पाएगी, कोई आदमी होगा वो बात नहीं टूटेंगे, टूटो गरीब आदमी नहीं टूटना, नहीं टूटेंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, किसी की खुट्टी के भी अगर जेसीबी लगेगी अरुण कुमार की छाती में। खेतड़ी नगर की सोफिया सेकेंडरी स्कूल की दबंगई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जहां पर अपनी मनमर्जी चलाने की वजह से अभिभावक परेशान हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों का एक शिष्टमंडल एसडीएम संजय कुमार वासु से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सोफिया स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जबकि वह सीबीएसई के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है।
खेतरी नगर में लगातार विभागीय दिशा निर्देशों की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, जिससे छात्र व अभिभावक काफी त्रस्त व रुष्ट हैं। साथ ही बताया कि सीबीएसई नई दिल्ली के सख्त निर्देश है, लेकिन सोफिया स्कूल अपनी मनमर्जी की किताबें चला रखी है, जबकि कक्षा 1 से 10 तक एनसीईआरटी की ओर से प्रकाशित पुस्तकें लागू की जाएं। यही किताबें प्रतियोगी परीक्षा के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। लेकिन स्कूल द्वारा भारी कमीशन के लालच में प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लागू की जा रही है। बुक ना लागू करके और प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लागू की जा रही है, उसके लिए गार्जियंस अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसका स्कूल उसके लिए बोलती है कि उसके बच्चों को टीसी काट दी जाएगी, उनको रखेंगे नहीं, तो गार्जियंस बोल नहीं पाते, इसलिए वो शोषण कर रही है गार्जियंस के साथ। ये सबसे बड़ी शिकायत है। और एक ही दुकान के लिए बाध्य किया जा रहा है कि इसी दुकान से खरीदी जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। अगर इसी से, और वो बहुत ही महंगी किताब बेचता है, प्रिंट आउट पे भी उसने टेप लगा के अलग से प्रिंट आउट निकाल रखी, तो इसलिए इसके लिए जनहित के लिए हम एसडीएम साहब के पास विज्ञापन देने के लिए आए हैं, और इसके लिए हमको पूरी हेल्प मिलनी चाहिए और इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो कोपर में एक स्कूल है सोफिया सेकेंडरी स्कूल, उसके गार्जियन आके इन्होंने इनकी पीड़ा यह थी कि स्कूल में एनसीईआरटी की बुकें ना लेके किसी अन्य की जो पर्सनल बुकें वो बेची जा रही हैं, जिस बुक का मूल्य जो 5 रुपये होता है वो वहाँ 100 रुपये में मिलती है, 5 गुना, यानी 1000 रुपये की बुकें 5-5 हज़ार रुपये में बेची जा रही हैं, 10-10 हज़ार रुपये में बेची जा रही हैं। इस पीड़ा से दुखी होकर गार्जियन सब एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, वही समस्या से निजात पाया जाए। खेतरी के नानवाली पावड़ी में 33 kV जीएसएस पर लाइन बदलते समय मजदूर के झुलसने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि बिजली विभाग की एक और लापरवाही ने एक छात्रा की जिंदगी छीन ली। मामला खेतरी के बांकोटी ग्राम का है, जहां बिजली के पोल के नीचे एक छात्रा दब गई। जानकारी के अनुसार बिजली के पोल पर तार काफी नीचे लटक रहे थे, रास्ते में रोड पर चल रही एक कैंटर गाड़ी में तार उलझ गए, जिससे 2 बिजली के पोल नीचे गिर गए। वहीं पर खेल रही 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा रितिका पर एक पोल गिर गया, जिससे छात्रा के सिर पर गंभीर चोट आई और छात्रा को करंट भी लगा। घायल अवस्था में तुरंत राजकीय अजीत अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी वीरेंद्र कुमार मीना, नेत्राम जांगिड़ राजकीय अजीत अस्पताल पहुंचे और जांच शुरू की। एएसआई नेत्राम जांगिड़ ने बताया कि मृतका की उम्र 11 वर्ष है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है। कैंटर गाड़ी में बिजली के तार उलझने के कारण हादसा हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली के तार ढीले और नीचे हैं, जिसकी शिकायत कई बार कर दी गई है, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों का बिजली विभाग के खिलाफ भी आक्रोश बना हुआ है। गांव झांझोत में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का सम्मान हुआ। झांझोत गांव के पोलो टैंक पैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से स्वर्ण पदक विजेता जंगशेर खां का जोरदार स्वागत हुआ। अड़ावता सरपंच सुनील कुमार की अगुवाई में गांव बारी, बारी का बास, अड़ावता, गिडानिया, खुडोद एवं सुल्ताना आदि कई गांव में खिलाड़ी का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर खिलाड़ी जंगशेर के पिता रुबेक खां, कप्तान रघुवीर सिंह बराला, कर्नल शौकत अली, लियाकत खां सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा परिसर में चल रहे युवा सप्ताह विशेष शिविर के 4थे दिन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ऋचा कुलश्रेष्ठ के अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मोनिका ग्रुप व साधना ग्रुप एवं द्वितीय स्थान पर खुशबू ग्रुप रहा। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह अवाना, डॉक्टर धीरज कुमार, प्रोफेसर सरिता सैनी आदि कई मौजूद रहे। चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा के रोवर स्काउटों ने सवाई माधोपुर में आयोजित हुई 59वें रोवर मुठ में भाग लिया। शिविर की विविध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रोवर लीडर अनिल कुमार टेलर ने बताया कि कॉलेज के द्वारा छात्र दल में विजय आनंद, रवि बुडानिया, प्रमोद डांगी, पंकज शोराण, अजय कुमार, राहुल ताखर, अजय लामोरिया, सचिन वर्मा सहित 8 छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर ऋचा कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर रणवीर सिंह, जयकरण बुडानिया, अश्विनी चोटिया, पवन शर्मा आदि कई ने छात्रों का सम्मान किया। बाल शिक्षा विकास समिति की ओर से मकर संक्रांति के पर्व पर झुग्गी बस्तियों में खुशियां बांटी गई। धींधवा सर्किल के पास गरीब बस्ती, पिलानी कोर्ट के पास में झुग्गी बस्ती, पिलानी बस स्टैंड, इंडस्ट्रियल एरिया के पास आदि स्थानों पर जाकर समिति के कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों को कंबल वितरित किए। समिति पिछले 2 साल से लगातार जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। समिति के तरुण मणि राम का, गौरव पुरोहित, राहुल बुड़ाकिया, मोनिका शर्मा, कर्तव्य मोदी आदि कई मौजूद रहे। अपने साहित्य के जरिए विश्व में खास पहचान बनाने वाले साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश बचरंगिया की स्मृति में विवेकानंद चौक में साहित्यकार महामहोपाध्याय डॉक्टर ओम प्रकाश बचरंगिया स्मृति संस्थान के बैनर तले
वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागवत वक्ता और प्रथम राष्ट्रीय उपभोक्ता सम्मान से सम्मानित प्रभुशरण तिवाड़ी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्षता बालकृष्ण चौरसिया ने की। विशिष्ट अतिथि अनुज शर्मा, जयराम दास स्वामी और रोहिताश चौधरी रहे। कार्यक्रम में भारत रत्न चौरसिया, चंद्रमौली पचरंगिया, रमेश कोतवाल, मोतीलाल शर्मा, विक्की शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया।